G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है। भारत को इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मिली है, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोग भी G20 शिखर सम्मेलन को लेकर खुश हैं और वे इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। डीडी न्यूज से बातचीत में लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा है। G20 की प्रेसिडेंसी करना एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है हमारे लिए, और सबसे बड़ी बात जियोपॉलिटिक्स में जब G20 की प्रेसिडेंसी करते हैं तो उसका एक महत्व बढ़ जाता है। आप एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, जो ग्लोबल एजेंडाज हैं, जो जियोपॉलिटिकल एजेंडाज हैं, खासकर ट्रेड के, यूनियंस के, खासकर आपके पीस के, डेवलपमेंट के, उन एजेंडाज को एड्रेस करने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। और मैं ये एक जो मेरे अपने पर्सपेक्टिव से मैं देखूं कि भारत आने वाले 5 सालों में जो अभी 5th इकॉनमी है वर्ल्ड की, वो यानी 5 ट्रिलियन इकॉनमी को हम आय कर रहे हैं, तो यानी 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड बनने हम जाएंगे, तो उसमें G20 में जो ये हमारे जो डेवलपमेंट इश्यूज हैं, जो एजेंडाज हैं, किस तरह से ट्रेड को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, सारी 20 जो कंट्रीज़ हैं, जो सारे इनके नेशनल हेड्स आएंगे, उनके साथ जब ये डिस्कशंस होगा तो डेफिनेटली आने वाले 5 सालों में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी भी बनेगा। हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि इस बार G20 हमारे देश में मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार का ये एक बहुत उत्तम और बढ़िया कदम हमारे हिसाब से है। मोदी जी को हम कई कामों के लिए और भी बधाई देते हैं, लेकिन इस काम के लिए भी हमारी तरफ से केंद्र सरकार, मोदी जी और हमारे भारत को बहुत बहुत बधाई है। इसका शिखर सम्मेलन जो है दिल्ली में हो रहा है, हिंदुस्तान में, हमारे कंट्री में, बड़े ही गर्व की बात है। आदरणीय मोदी जी के प्रयासों से प्रेजेंसी जो हमको इस साल मिली है, उसके अंदर में जो है हम इसको काफ़ी ऊंचाई तक लेके जाएंगे, और इसका जो है पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट में, न्यूट्रिशन में, हेल्थ, एजुकेशन, सब जगह में जो है इसका जो है डेवलपमेंट वर्क होगा,